और उसमें जो आदिल मंजूर श्रीनगर का ही है, जाल नगर का है, जो इन्वॉल्व था मेन एक्यूजर जिसने फाइट किया है, जिसको पाकिस्तान के हैंडलर ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिवेट किया, मोटिवेट करके उसको श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है ये रिकवरी हो गया है। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसआईटी गठित की है जो तफ्तीश को प्रोफिल ढंग से किया जा रहा है। इसमें मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल में आपको पढ़ के सुनाएंगे। गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में दो पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोत हो गए थे, वो दे सकम टू द इंजुरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे एक कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में एफआईआर नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफा 302-307 और रेलेवेंट सेक्शन ऑफ यूएपीए एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी, ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हेयर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम टू दिस फेलो हु लेटर ऑन कंडक्टेड दिस टेरर अटैक ऑन 7th of February। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वेपन ऑफ ऑफेंस है दैट हैज बीन रिकवर्ड नाउ। और इसमें डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसपी साउथ की कयादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू।